हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम स्लीव की डिज़ाइन बताएंगे। स्लीव की लंबाई है 12 इंची। इसके बाद हम स्लीव को बीच से कट करेंगे। अब कट करके हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद इसे हम रख देंगे साइड में। स्लीव का एक पल्ला लेंगे, फैब्रिक की एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंची। उसे हम फोल्ड करके स्लीव के पल्ले पर साइड में ऐसे सिलन चलाएँगे। एक बराबर हम सिलन चलाएंगे। पाइपिंग बनाने के लिए हमें पट्टी लगाएंगे। फ्रेंड, हमने सिलन चला लिए। इसके बाद हम धागा कट करेंगे, स्ट्रिप फैब्रिक भी कट करेंगे। इसे हम पीछे साइड फोल्ड करके साइड में एक सिलन चलाएंगे। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए इसे हम दूसरी साइड की भी पाइपिंग बनाएंगे। अब हम धागा कट करेंगे। एक साइड की हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। हमने दोनों साइड की पाइपिंग बना ली है। इसके बाद हम इसे साइड में रखेंगे फोल्ड करके। इसके बाद हम फैब्रिक के कुछ छोटे छोटे पीस लेंगे जिसकी लंबाई है 4.5 इंची, चौड़ाई है 5 इंची। इसके बाद इसे हम फोल्ड करके साइड में सिलन चलाएंगे। हमने सिलन चला लिए। अब इसके बाद हम धागा कट करेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। इसे हम सीधा करेंगे। हमने इसे सीधा कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। हम इसे बीच से फोल्ड करके नेल से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमारा निशान बन जाएगा। इसके बाद हम निडिल लेंगे और उससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। हम सुई की हेल्प से डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे हम दूसरी साइड भी डिज़ाइन बनाएंगे। हमारी डिज़ाइन बन गई। इसके बाद हम इसे लॉक करेंगे, कट करेंगे धागा। ऐसे हम बहुत सारी डिज़ाइन बनाएंगे। हमने बहुत सारी डिज़ाइन बना ली है और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बनी है। इसे हम साइड में रखेंगे। फैब्रिक की एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 5 इंची। इसी के ऊपर एक डिज़ाइन उठा के रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। साइड साइड में हम स्टिचिंग करेंगे। एक एक डिज़ाइन उठा के रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए ऐसे हम दूसरी साइड की भी स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी दोनों साइड की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। दोनों साइड का फैब्रिक कट करने के बाद हमारी डिज़ाइन सेम दिखेगी जैसे बनी है। इसके बाद हमने डोरी बनाई है और डोरी लेंगे, उसे हम 2.5 इंची पर कट करेंगे। अब हम डोरी को फोल्ड करके 2.5 इंची पर कट करेंगे। फ्रेंड, हमने डोरी कट कर ली है। इसके बाद हम एक डोरी उठाएंगे, उसे फोल्ड करके डिज़ाइन पर लगाएंगे और स्टिचिंग करेंगे। ऐसी हमने जितनी सारी डिज़ाइन बनाई है सब पर हम एक डोरी उठा के फोल्ड करके डोरी लूप्स बनाकर लगाएंगे।
सेम स्टेप को फॉलो करती हूँ। हम दूसरे साइड भी ऐसे डोरी लूप्स लगाएंगे। हमने दोनों साइड डोरी लूप्स लगा ली है। इसके बाद हम धागा कट करेंगे। साइड में हमारी जो एक्स्ट्रा डोरी है उसे भी हम कट करके दोनों साइड की निकाल देंगे। इसके बाद हमने फैब्रिक के कुछ बटन तैयार किए हैं, उसे हम डिजाइन पर लगाएंगे बीच में। इससे डिजाइन का लुक बहुत यूनिक आएगा और नीडल की मदद से इसे हम इसके लगा देंगे। इसके बाद हम स्लीव का एक पल्ला लेंगे, डिजाइन पर रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे साइड में। साइड साइड से हम स्टिचिंग करेंगे। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हम दूसरे साइड की ऐसे स्टिचिंग करेंगे। हमने डिजाइन में दोनों स्लीव के पल्ले लगा लिए हैं। इसके बाद फैब्रिक की एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 2 इंची। स्लीव को उल्टा करेंगे, फैब्रिक की पट्टी रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। धागा कट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट करेंगे। स्लीव को सीधा करेंगे। इसके बाद इसे हम फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। इस पर साइड साइड में स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद साइड में दोनों तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। इसके बाद फैब्रिक की एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 3.7 इंची और उसे हम फोल्ड करके साइड में सिलन चलाएंगे। हमने पट्टी में पूरे में सिलन चला ली है। इसके बाद हम चुन्नट देंगे पट्टी में और फ्रिल पट्टी तैयार करेंगे। पूरे पट्टी में हम चुन्नट देंगे। हम एक एक चुन्नट देके स्टिचिंग कर रहे हैं। आप वीडियो में क्लियर देख पा रहे हैं हम जैसे स्टिचिंग कर रहे हैं, आप भी वैसे करिए। हमारी फ्रिल पट्टी तैयार हो गई है। इसके बाद हम इस पर स्लीव रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे साइड में। आप वीडियो में देख पा रहे हैं जैसे हम स्टिचिंग कर रहे हैं, आप भी वैसे स्टिचिंग करिए। धागा कट करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे कट करके। हमारी डिजाइन बनके तैयार हो गई। कितनी प्यारी लग रही है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।